इतिहास के दृश्यों को सही सही बताने के लिए भय और भावनाओं का त्याग करना पड़ता है। भय वो वेदना है जिससे ऐतिहासिक दृश्यों का ना सिर्फ रूपांतरण होता है बल्कि उसकी कालिमा में सत्य कहीं ना कहीं छुप जाता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता दूं कि सत्य परेशान तो हो सकता है किंतु पराजित नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। आज हम इस वीडियो में कथित कुप्रथा सती प्रथा पर प्रकाश डालेंगे और आक्रांताओं के काल के हिंदुओं के उस व्यवस्था से आपको परिचित कराएंगे जिससे आप अपने पूर्वजों को नमन करने के लिए प्रेरित होंगे। हम बात करेंगे उस कालखंड की जब इस्लामिक और अरबी राजाओं ने अमानवीयता के चरम को छुआ है और हम बात करेंगे उस कालखंड की भी जब इस्लामिक राजाओं ने डकैती, छिनैती, चोरी, स्त्री चीरहरण को बड़े ही गर्व के साथ अंजाम दिया है। असल में कट्टरपंथियों ने स्त्री शव के साथ व्यभिचार को भी धार्मिक माना है और इसका प्रमाण तत्कालीन इस्लामिक स्कूलों के लेखों में देखा जा सकता है जहां पर उन्होंने अपनी पुस्तकों में बकायदा लिखा है कि स्त्री शव के साथ सहवास करने के बाद पुरुष के जननांगों को धुलने की आवश्यकता नहीं होती है और इसका प्रमाण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय आक्रांताओं का आक्रमण जिस भी राज्य पर होता था वहां के धन के साथ साथ उनकी मनसा वहां के स्त्रियों के धर्म को भी दूषित करने की रहती थी। पूरे विश्व में घूमकर अरबी आक्रांताओं ने अपनी इस मनसा को पूरी तरह से अंजाम भी दे दिया था और अब उनका अगला निशाना भारत भूमि ही थी। पूरे विश्व में अपनी कुत्सित मानसिकता जिसमें डकैती, छिनैती, लूटमार, स्त्रीत्व चीरहरण करने के पश्चात आक्रांताओं ने अपना अगला निशाना भारत भूमि को ही बनाया। उस समय जब उन्होंने भारत भूमि पर कदम रखा तो उनका सामना यहाँ पर स्त्री की एक ऐसी प्रजाति से हुई जो अपनी आन बान शान और स्त्रीत्व की रक्षा के लिए खुद को जलते हुए अंगारों में भी धकेल देने से पीछे नहीं हटती थी। यहाँ पर आक्रांताओं को एक स्त्रीत्व का परिचय भी हुआ और उन विलासियों का यह दंभ और उन विलासियों की ये इच्छा धरी की धरी रह गई और इस प्रकार भारत में सती प्रथा का उदय हो गया। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इस सती प्रथा के प्रारंभ का परिचय कराने आया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करिएगा। इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।